नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आरक्षण सूची जारी हुई वैसे ही चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सपा के नेता पूर्व विधायक माविया अली चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। आज माविया अली का देवबंद मंडी समिति के आड़तियों ने जबरदस्त स्वागत किया और उन्हें समर्थन भी दिया। आड़तियों का कहना है कि मौजूदा चेयरमैन नगर का विकास नहीं करा पाया, इसलिए हमने माविया अली को इस बार समर्थन देने का फैसला। मंडी समिति ने चेयरमैन फारूकी साहब जो हैं, प्रधान मंडी समिति और मंडी समिति में जितने भी आए हुए लोग हैं देवबंद के एतराफ के लोग, उन लोगों ने समर्थन दिया और मंडी समिति के समर्थन से शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकॉर्ड वोटों से इस बार देवबंद वालों की, देवबंद की आवाम की जीत होगी। परिवार की नहीं, देवबंद की आवाम की जीत है इंशाल्लाह। देवबंद की मंडी समिति में और मेरे साथ यहाँ पर आरती मौजूद है। आज यहाँ पर माविया अली पूर्व विधायक का स्वागत हुआ है। इन आड़तियों ने निकाय चुनाव में उन्हें समर्थन दिया है। देखते हैं क्या वजह है। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है यहाँ के फ्रूट मंडी प्रधान सुलेमान फारूकी जी, उनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। जी सम्मान समारोह यहाँ पर पूर्व विधायक का हुआ है, क्या कहेंगे, क्या फैसला लिया गया है? यहाँ ये आड़तियों की मीटिंग, चंद लोगों, जिम्मेदार लोगों की मीटिंग थी, वैसी खास मीटिंग थी ये। इन्होंने ये फैसला लिया हमें चेयरमैन के लिए किसको चुनना है। सबकी राय मशवरे से ये फैसला लिया गया और मैंने भी ये फैसला लिया प्रधान के हैसियत से माविया अली जी को सपोर्ट करना है। उनको सब आड़तियों ने समर्थन दिया, मेरे साथ में आड़ती मेरी साथ है, मैं आड़तियों का भी शुक्रगुजार हूँ। ये 25 साल से मुझे अपना प्रधान चुनते आ रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके मशवरे से मैंने आज माविया अली जी को समर्थन दिया है, सब आड़तियों के प्रयास से। भाई फुरकान प्रधान जी, प्रधान जी पिछली योजना में आपने मौजूदा चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी को समर्थन दिया था, वजह क्या है कि इस बार आपने पाला बदला है? पाला ये बदला है, मौके की नज़ाकत यही है। और मेरे जो आड़ती भाई मेन आड़ती मंडी के हैं, उन्होंने मेरे से यही प्रयास किया, कला सुलेमान फारूकी प्रधान हुआ मंडी के, हमने आपको प्रधान चुन रखा है, जिम्मेदार हुआ आप, फैसला आपके कोई गलत फैसला नहीं लेना, सही फैसला लो। तो सबकी राय बनी माविया अली जी को सपोर्ट करो, मैं माविया अली जी के साथ आ गया, उनको समर्थन दे दिया। पूरे आड़ती, पूरी मंडी ने, ठेली वाला, रेड़ी वाला, किसान, पल्लेदार, मुंशी, आड़ती, सब जिम्मेदार लोगों ने। क्या मौजूदा चेयरमैन ने इन 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, आड़तियों के लिए कोई कार्य नहीं किया जो आपने कैंडिडेट बदला है? देखो हमें किसी चेयरमैन से, किसी नेता से कोई काम नहीं पड़ता। आड़ती लोग, अल्लाह करा हमारा इतना मामला है जो अपना काम हम खुद करा लेते हैं, ये अल्लाह का करम है। रात सवाल वो बीमार पड़ रहा, अपना घर पड़े रहे बेचारे, अपना काम बाकी में पब्लिक का नहीं हुआ, पब्लिक मायूस रही, पब्लिक हमने वादा किया था अगर तुम्हारा काम नहीं होगा मैं अगली योजना में, आने वाले चुनाव में चेयरमैन जियाउद्दीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब पब्लिक मेरे साथ यहाँ पर कुछ और आड़ती भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान फारूकी है जनाब। रिहान साहब क्या वजह है? भाई साहब पिछले 5 साल जो थे जियाउद्दीन भाई से पहले 2012-2017 तक, आप उसका विकास देखो माविया अली जी का, और ये 2017-2022 का विकास देखो आप, टोटल विकास क्या उन्होंने अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने लिए करा, जनता का, गरीब आदमी का, किसी का कोई विकास नहीं हुआ है। टोटल सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का, अपने खानदान का विकास किया, सिर्फ माविया अली ने किया। आप देख लो रेलवे रोड देख लो, भाईलाई रोड देख लो, आप ईदगाह रोड देख लो, चाहे आप देवीकुंड रोड देख लो, चाहे जितने ट्यूबवेल लगे, जितना पानी, 2012 पहले हमारा कभी पानी नहीं आया, जब से माविया अली बने थे पानी मुस्तकिल हर जगह हर महल में पानी पहुंचता है। ये पानी उन्हीं की देन है, रोड भी उन्हीं की देन है, विकास भी सिर्फ माविया अली की ही देन है। मेरे साथ यहाँ पर फुरकान साहब भी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। क्या वजह है, क्यों मौजूदा चेयरमैन से जनता नाखुश है? क्या उनसे नाखुश इसलिए है कि एक तो वो यहाँ पर अगर कभी भी कोई काम गया तो घर पे मिले ही नहीं, अगर मिले तो उन्होंने मना करा दी, उन लोगों को मना करा जो उनके साथ थे, मैं तो उनके साथ नहीं था। आज वो लोग जो नाराज़ हैं उनकी उस बेरुखी से है कि उन्होंने दिलो जान से उनको चुनाव लड़ाया था और उनको विश्वास था कि जनता के हक में पूरे उतरेंगे, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया।
अपनी एक नई शादी की छोटी उम्र की लड़की से और अपने कोठी ली देहरादून में या सहारनपुर में मकान बनाया और बीमरों को जो उन्होंने लिफाफा दिया, अब की बार जिन बीमरों ने लिफाफा लिया जनता उनको भी सबक देगी, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया उसको और ठंडा तो देंगे ना देंगे। जी मजाहिर भाई क्या कहेंगे, क्या वजह है, क्यों नाराज है जनता? राज को सबको पता क्यों है नाराज जनता, जनता काम नहीं किया, 12 के 12 बीमार रहता है और जो हमारा काम करते हैं परेशान नहीं करते हैं। ये आज मावे के साथ है, हम भी मावे के साथ हैं, पर पहले जाउद्दीन के साथ थे, जाउद्दीन के साथ हम थे, उसके बस का नहीं है काम, बीमार आदमी क्या करेगा। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, अपना विकास कराओ ने। अब हालांकि ये बात सच है कि मौजूदा चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी लगातार 5 साल तक बीमार रहे, लेकिन अब उन्होंने निर्णय लिया है कि अपने पुत्र को वो इलेक्शन लड़ाएंगे, तो वजह क्या है सलीम? मौजूदा चेयरमैन साहब तो कहते हैं कि अब की बार वो अपने पुत्र को इलेक्शन लड़ाएंगे, वजह क्या है कि मावे अली तो मावे अली ही आएंगे बेचारे, वो तो बहुत शानदार हमारे विधायक जी आएंगे, और रही इनके चेयरमैन साहब की बात, ये तो बेचारे हमेशा आपके सामने है सारी बात, क्या बतलाएं। तो विकास नहीं हुआ है? विकास तो क्या नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन 5 साल में जो 5 साल का गैप रहा है उसमें देवबंद कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ा है, क्या वो एक बार फिर स्पीड पकड़ेगा? अब पकड़ेगा जी, विधायक जी आ जाएंगे और सभी सहयोग सबका साथ रहेगा, अब पकड़ेगा। मावे अली जी काम कराएंगे, पिछले चेयरमैन ने जो काम कराए वो सब जनता के सामने है। तो क्या लगता है टक्कर किसके बीच होगी, भाजपा सपा या सपा बसपा? देखिए ऐसा है, ये तो टक्कर की बात तो यह है कि अभी चुनाव शुरू हुआ है, जब चुनाव शुरू हो जाएगा पर नामांकन हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा, अभी तो क्या अंदाज़ा लगाया, अभी तो रुख का जो है पूरे शहर के अंदर मावे अली का ही है और मावे अली ही जीतते हैं। सबका कहना जनता का है, सब जनता का उनको साथ सहयोग है। तो आपने देखा कि यहाँ जनता मावे अली कह रही है, मौजूदा चेयरमैन पर बताया जा रहा है कि बीमार होने की वजह से वो जनता से भी नहीं मिल पाए, और इतना विकास जो इन 5 सालों में नहीं हो सका, मावे अली अगर चेयरमैन बनते हैं वो विकास ज़रूर करेंगे। देवबंद से नितिन गर्ग, पब्लिक लाइव।